जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज है यहाँ, आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतोली गोवटी, आप सबूत मेरु सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से इन्हें ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर के रास्ते से, यानी खेती बाड़ी के रास्ते से। मैं जा रही हूँ घास के लिए। आजकल तो डेली का रोटी नहीं यही है, घास के लिए जाओ, घास के लिए जाओ, घास के लिए जाओ। जितना घास काटो उतना पूरा ही नहीं हो रहा घास ना। तो अभी मैं घास के लिए जा रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब ने कल के ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया है और आशा करती हूँ आप सब ऐसा ही प्यार प्रेम देंगे। तो मेरी बिटिया ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी थी जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। तो पता कभी कभी हमें लगता है कि हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, और जो मैंने नहीं दिया है वो मैंने इसलिए नहीं दिया है, वो कब से लगी थी कि मम्मी मुझे सिखा दे, मुझे डांस सिखा दे, डांस सिखा दे। मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी ओर। तो जब मैंने मतलब 15 अगस्त को उसका डांस देखा ना, तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा यार इसने ये ट्रेनिंग कब की। और धन्यवाद उन मैडमों का, बहन जी का, जिन्होंने इतना अच्छा से उन्हें मतलब डांस के लिए तैयार करा है, इतना अच्छा डांस सिखाया उनको। तो अभी जा रही हूँ घास के लिए, और आज बहुत दूर जा रही हूँ घास के लिए। अब फता जाती है दूर जाना, क्योंकि अब पास पास का तो सारा घास काट ही लिया है। अब मौसम देखिए, कहीं पे कोहरा, कहीं पे धूप। तो चलिए बने रहिए साथ में। तो अभी ना मैं पहुँच चुकी हूँ या नीचे, आज घर से काफ़ी ज़्यादा दूर आ रखी हूँ नीचे हो। तो अभी यहाँ पर हमारे दोबड़ भी हैं, तो ऐसा हो रहा है कि दोबड़ का घास भी कैसे काटूँ एकदम से, बाद में काम आता है। तो मैं सोच रही थी खेती से ही काट लूँ, या कुंजा दुल कु बाटो नहीं दिखा। तो यहाँ एक देवरानी भी है, पूरे घास के लिए आ रखी है। हैं इधर से, ए बाबा। तो अभी दोस्तों अभी मेरे पास घास है ना इतना हो चुका है, ये देखिए चार पांच पांच पुली हो चुकी है। तो अभी ना और भी निकालूंगी, फरमान भी नहीं कर रहा अब निकालने का, निकालने के लिए निकालती हूँ। लेकिन यहाँ से ना दूर जाना है मैंने, घर ऊपर, ये देवरानी देखो ऊपर जाना है, तो उतने दूर जाने जाने तक तो थकान लग जाएगी, इसलिए और भी नहीं निकाल पाऊँगी। तो अभी इतना ही मतलब इतना ही घास का भाड़ा लगाऊंगी, फिर चले जाऊंगी। और कल स्कूल में ना एक लड़की ने ऐसा मतलब परसों ऐसा भाषण दिया ना, मैं भी दंग रह गई। ये देखिए अगर मेहनत कर दी जाए, ये एक सबक है हम लोगों के लिए, अगर गुरुजनों द्वारा, माता पिता द्वारा अपने बच्चों पे मेहनत कर दी जाए तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी सरकारी टीचर बन सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देखिए कल इस लड़की ने ऐसा भाषण बोला ना स्कूल में, खतरनाक। मैं तो दंग रह गई इसके भाषण को सुन के। और इसके माता पिता मतलब इसके माता पिता को कितना गर्व महसूस हुआ होगा जब उसकी माँ वहीं पे थी और लड़की आगे से ऐसी भाषण दे रही थी, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा। इसलिए मैंने ब्लॉग में ये भाषण नहीं डाला। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इससे कुछ सीखो, और सीखो क्या, सबसे पहले तो हमारे बच्चों को कुछ सीखना पड़ेगा। तो मुझे तो ऐसा गर्व हुआ, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगा। तो जब ना आजकल डेली सुबह सुबह ना, मैंने जैसे बताया था भैंस के पास इतना गोबर हुआ रहता है ना, तो खुशी बोलती है मम्मी खुशी और कृष्णा बोलते मम्मी बदबू आ रही थी उस गोबर। तो मैं कहती हूँ भाई पढ़ो, नहीं तो तुम्हारे भी यही हाल होंगे, सो उठ के गोबर निकालना पड़ेगा और ऐसी बदबू आती रहेगी। तो मैंने हाँ हम तो पढ़ेंगे भाई, हम नहीं निकालेंगे गोबर। तो मैंने कहा देखते हैं आगे क्या ही होता है। तो चलिए फटाफट से घास के भारे लगाते हैं और घर के लिए निकलते हैं। फिलहाल मौसम देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है, आज प्यारी प्यारी सी धूप लगी हुई है। और यह देखिए सुंदर सी धूप लगी हुई है, सुंदर मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो अभी ना मैं घास के लिए जा रखी थी और घास लेके घर आ गई, और काफ़ी टाइम बाद आप मेरे चेहरे पे मुस्कान देख रहे होंगे। और
क्योंकि ऐसा है ना, मुस्कानदानी पड़ती है चेहरे पे। बट ऐसा है जैसे आज के समाज में हो रहे हैं, बिल्कुल मुझको तो लगता है ना कलयुग लग ही चुका है। जैसे आज के समाज में हो रहा है ना, जवान जवानों के साथ ऐसा हो रहा है, तो उससे अच्छा मैं बोलती हूँ मेरे पापा भाग्यवान है, मेरे पापा बड़े किस्मत वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन मेरे पापा जी का श्राद्ध है, यानी तिरिसा बोलते हैं हमारी गढ़वाली में, उस दिन जन्माष्टमी भी है, 26 तारीख को जन्माष्टमी भी उसी दिन है, और पापा का श्राद्ध भी उसी दिन है, और मेरे बेटे कृष्णा का बर्थडे भी उसी दिन है। तो कृष्णा का बर्थडे कृष्ण जन्माष्टमी को ही आ रहा है इस बार, कितनी अच्छी बात है। तो बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए मैं घर पे पहुंच जाऊंगी, क्योंकि दिन को वहां जाएंगे, सुबह जाएंगे तो दिन में शाम को हम घर आ जाएंगे। बेटे का जन्मदिन भी मनाना है, और बड़ी बात है जन्माष्टमी भी उसी दिन है। तो आज कल मेरी नानी मेरे से मिलने आई थी, परसों आई थी, तो मेरी नानी मेरे लिए पता क्या लेके आई थी दुकान पे, 3-4 रोटी लाई थी और हरी सब्जी बना के लाई थी टिफिन पैक करके, और साथ ही ककड़ी लेके भी आई, जिसको खाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ देखिए मेरी नानी मेरे लिए ककड़ी लेके आई है। तो मेरी प्यारी सी नानी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और नानी का प्यार कितना प्यारा होता है, कितना अनमोल होता है ना। तो बट मेरी नानी बहुत ज्यादा रो रही थी इस बात का, बहुत बुरा लग रहा। तो चलिए अब मार्केट के लिए निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपको। जय माता रानी की दोस्तों, आप सब तो मेरे प्यार हो रहे, प्रणाम। आज है आप लोग भी ककड़ी खान, गौरे ककड़ी, क्योंकि खीर नहीं जो आए काकड़ी, गौरे काकड़ी, तो आप लोग भी आ काकड़ी खा, और क्या आनंद हो ना गौरे काकड़ी खाना, मस्त मारी था ना। तो गौरे काकड़ी खाना, और आधा यह बीच या आधा खाया करी, ये तो शायद मैं बजा ले बोलो अबार, और ये तो हम अबार खोला तो ठीक छा, तब सब लोग स्वस्थ रहा, बस रहा, खुश रहा, और काकड़ी खाना गिन तो ही वाह। करना चाहती हूँ जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, मैं उन स्वतंत्रता सेनानी को ये चालान समर्पित करते हुए अपनी भाषण की शुरुआत करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार से है। मतलब
अभी मैं दुकान पे पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं अपनी दुकान पे बैठी हुई हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को इस लड़की के इस भाषण से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता रानी की।